I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Assalamu alaikum. Umeed karti hoon ki aap sab log khairiyat se honge. Aaj main aapke liye Shaheen Shah Afridi ke mutalliq न्यूज अपडेट लाई हूँ, जिसका उन शाहीन शाह अफरीदी के फैंस को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी अपनी फैमिली के हमरा इंशा अफरीदी के साथ निकाह करने के लिए गुज़श्ता शब कराची पहुंच गए थे। शाहीन शाह अफरीदी साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बेटी के साथ आज निकाह के बंधन में बंध गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी शादी के बंधन में बंधने वाले ताज़ा तरीन क्रिकेटर हैं। निकाह का इनकाद आज 3 फरवरी बरोज जुमा मुतवक्के हुआ था। हारिस रऊफ, शान मसूद और शादाब खान के बाद शादी के बंधन में बंधने वाले ताज़ा तरीन क्रिकेटर हैं। निकाह की तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट से तलक रखने वाले क्रिकेट स्टार्स और लेजेंड्स को मदऊ किया गया था। शाहिद अफरीदी की बेटी इंशा डॉक्टर बन रही हैं, इसलिए शादी की बाकी तकरीबात इसकी ग्रेजुएशन के बाद होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शादियों का सीज़न ज़ोरों पर है। दिसंबर 2022 में हारिस रऊफ ने मिजना मसूद के साथ शादी की थी। शादी के बाकी फंक्शंस इस साल होने की उम्मीद है। उसके बाद शान मसूद ने जनवरी में निशे खान से शादी की थी। उसके बाद स्टार ऑलराउंडर शादाब खान ने भी सकलैन मुश्ताक की बेटी से शादी का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था। बाकी शादी की तकरीबात 9 और 10 फरवरी को होंगी। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम इस शादी में शिरकत करने के लिए कराची पहुंच गए थे। इस शादी में बाबर के अलावा और भी कई खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसके अलावा हारिस रऊफ ने अपने ट्विटर पैगाम में हारिस शाहीन शाह अफरीदी को निकाह की मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से शाहीन बहुत बहुत निकाह मुबारक हो, और पर मैं आ तो नहीं सकूँगा, मिस करूँगा इसको। एज ए कुछ प्रोफेशनल जो सी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये है कि मैं वापस जब आऊँगा और इसको दोबारा सेलिब्रेट करेंगे PSL के दौरान। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको।